किस तरह इनको आवाज बचाऊं कि आपने जब टॉस जीता, आधा मैच आप वहां जीत चुके थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने कोशिश की कि हम ये मैच ना जीतें। शिकस्त के बाद एक और बड़ी शिकस्त, पाकिस्तान को इंडिया के हाथों इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद शेब अख्तर का बड़ा बयान सामने आ गया। शेब अख्तर इंडिया से टीम पाकिस्तान की हार पर फट पड़े। शेब अख्तर ने टीम पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। नासिर पाकिस्तान बामुकाबला भारत आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा और अहम मुकाबला, जिसमें टीम पाकिस्तान का ये फैसला होना था कि वो वर्ल्ड कप में रहेगी या बाहर हो जाएगी। और अब टीम पाकिस्तान भारत से हार के बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। नास्टिन टीम पाकिस्तान, जिसने पहले अमेरिका जैसी छोटी टीम से शिकस्त हासिल की, उसके बाद भारत के खिलाफ इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। टीम पाकिस्तान जो कि बॉलिंग अच्छी करती रही, लेकिन बैटिंग पर टीम पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत की टीम ने टीम पाकिस्तान को 8 रन से शिकस्त दे दी है, जिसके बाद शेब अख्तर का बड़ा बयान सामने आ गया। शेब अख्तर टीम पाकिस्तान की हार पर क्या कहते हैं, उनका ये बयान आप भी सुन लीजिए। वन डायमेंशनल प्लेयर सारे आगे बैटिंग करने आए हैं, वो मैं आगे बात करता हूँ। दूसरा, बाबर आजम के सब पर कहते हैं कि बहुत बड़ा बैट्समैन है, मुझे ये बताएं रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक का है, ये शॉट भाई, रोटेशन ऑफ द रिस्ट किधर है, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक का है, टैप करके भागना किधर है, वो कोई पता नहीं है। सो आई थिंक उनको इतना बड़ा बैट्समैन बना देना, आई थिंक आई एम जस्ट फेलिंग टू अंडरस्टैंड दैट।